गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। 36 नेशनल गेम्स गुजरात 2022 में मैं हरदीप सिंह आईआईटी गांधीनगर से सॉफ्टबॉल एरिना से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ग्रैंड फिनाले विमेंस का मैच पंजाब वर्सेस केरला, पंजाब वर्सेस केरला कुछ ही क्षणों में शुरू हो रहा है। आफ्टर टीम इंट्रोडक्शन, केरला की टीम मैं टॉस हार के बैटिंग करते हुए फर्स्ट बैटर है प्रविता, जो कि सेकंड बेस पर खेलती है। केरला का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, लीग में मैच हारने के बाद क्वार्टर्स में जीते, फिर सेमीज में जीते, अब फाइनल पहुंची है पंजाब के साथ। और पंजाब टीम ने अपने पूरे लीग में कोई मैच नहीं हारा, टू पूल को टॉप किया और मैच जीता, क्वार्टर्स में जीते, सेमीज में जीते, अब ग्रैंड फिनाले में आए हैं सीधा। गुड स्विंग, वन एंड वन, बॉल वन स्ट्राइक वन, नाइस पिचिंग बाय ममता। टॉस वॉज वन बाय पंजाब टीम। सॉफ्टबॉल में जो भी टॉस जीतता है, जो भी टीम टॉस जीती है, वो हमेशा ही पहले फील्डिंग लेती है, क्योंकि फील्डिंग के बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं, आपको लास्ट इनिंग मिलती है बैटिंग करने के लिए, इस वजह से टॉस जीतना बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉल गई फाउलेट एरिया में, बॉल वन स्ट्राइक टू, अच्छी हिट करते हुए प्रविता, एम्पायर का इशारा, बॉल वन स्ट्राइक टू, फुल काउंट ऑन बैटर पंजाब की, केरला की नेक्स्ट बैटर, बॉल बॉल टू, कैचर ने बॉल छोड़ा, हाई बॉल। केरला की नेक्स्ट बैटर हैं अनीशा शाह जी, जो कि कैचर हैं। बहुत ही अच्छा खेलते हुए दोनों टीमें विमेंस की, पंजाब एंड केरला की, फाइनल में पहुंची हैं। केरला टीम लास्ट ईयर नेशनल्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नाइस हिट, फाउल हिट, थर्ड बेस से बाहर जाती हुई बॉल, इट्स अ फाउल हिट। नेशनल्स में इन्हीं दोनों टीमों का फाइनल मैच हुआ था, जिसमें केरला ने बाजी मारी थी, पंजाब का सिल्वर मेडल था। देखते हैं इस नेशनल्स गेम्स में क्या रिजल्ट रहता है। फर्स्ट टाइम सॉफ्टबॉल को नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया, बहुत ही अच्छा शॉट मारा और ये लेफ्ट आउट पे आउट। लेफ्ट आउट की खिलाड़ी बहुत ही अच्छा कैच पकड़ते हुए, हरविंदर कौर, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने, जर्सी नंबर 7 में खेल रही हैं हरविंदर कौर, लेफ्ट आउट, बहुत ही अच्छी बैट्समैन भी हैं। नेक्स्ट बैटर आ गई हैं बॉक्स में, अनीशा शाहजी कैचर फ्रॉम केरला, पिचर रेडी, काउंट है बॉल वन बॉल टू, बॉल हाई, कैचर से छूटी बॉल। दोनों टीमों में काफी ही इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पंजाब की ममता ने भी इंडिया को काफी बार रिप्रेजेंट किया है। बॉल थ्री, नो स्ट्राइक, दिस इज फर्स्ट टाइम अ वुमेन प्रेसिडेंट लीडिंग दिस गेम, दिस सॉफ्ट बॉल गेम। और स्ट्राइक वन, बॉल थ्री स्ट्राइक वन। मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट एशियन चैंपियनशिप में हमारी विमेन्स टीम डेब्यू करने जा रही है, जो कि चाइना में होगा। सितंबर 23 में ये हमारी विमेन्स टीम का सौभाग्य होगा, वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। गुड शॉट,
बट अगेन फाउल हिट, अच्छी पिचिंग करते हुए ममता, बॉल टू, बॉल थ्री, स्ट्राइक टू। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे इंग्लिश कमेंटेटर शोभन, ओवर टू शोभन। थैंक यू हरदीप, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन केरला एंड पंजाब। फ्री बेस टू केरला बैटर नंबर टू अनिशा शाहजी, या बैटर नंबर थ्री अशिता हरी, शी इज अ राइट हैंड बैट्समैन एंड शी प्लेड शॉर्ट स्टॉप फॉर केरला टीम, स्विंग एंड अ मिस, फाउल इट एंड काउंट गोज टू पिचर, स्ट्राइक वन। After completing of first stop, the score is 0-0. The pitcher is ready. Ball. So ball away, ball high. And the first base runner, Anisha Shaji, run to second base as she is safe on second base. The pitcher from Punjab, Mamata, the jersey number one, she's a very good pitcher. Swing and a miss. It's strike one, strike two, ball one. Hardeep, what do you say about this? बिल्कुल ठीक कहा शोभन आपने, बहुत ही अच्छी पिचर है, पता नहीं आज लाइन एंड लेंथ कहाँ गई इनकी, बॉल बाहर ही जा रही है बार बार। स्विंग किया, बहुत ही अच्छा स्विंग किया बैटर ने, फाउल हिट, बॉल वन, स्ट्राइक टू। या आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फर्स्ट स्टॉप केरला स्कोर वन, बैटर नंबर वन मनीषा फ्रॉम पंजाब, शी इज अ फर्स्ट बेस प्लेयर, शी इज अ सेंटर आउट प्लेयर, पिच ball, ball one, strike one, the pitcher is ready and catcher is giving signals to the pitcher, good shot to right outside, oh catch drop by the right out player, safe on first base, good shot by Manisha and she's safe on first base. The next batter, Manpreet Kaur, she's the catcher of Punjab team, she's also very good batter, she scored so many runs in the league matches. The pitcher is ready. Ball low, ball one. Runner safe on first base. So count, it's ball one. The batter is ready. Good swing. It's out on second base and safe on first base. One out for Punjab team. Very good fielding by third base player of Kerala. Next batter, number three, Madhvi from Punjab. She is second base player. She took so many good catches in the fielding and she is very good batter also. She also scored so many runs in the league matches. And the batter is ready, a pitcher is ready, catcher is giving signals to the players, strike one, very good pitch by the pitcher Anjali from Kerala, batter is ready, swing and a miss,
Swing one and miss by the batter. It's strike two. In first bottom, Punjab one away, and the next safe on first base. Batter ready in the batter box. Madhvi, good swing. It's foul it. Foul it. Runner is safe on first base. And strike two. Ball zero. Ball one, strike two. One away for Punjab. And safe on first base. Fielders encouraging each other. And the batter is ready. Pitcher is ready. Ball. Ball two. Yes, Hardeep. Tell me how this match go. Shobhan, ये match किसी भी जगह जा सकता है. दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी हैं. दोनों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में. लास्ट ईयर में दोनों ही नेशनल में फाइनल्स में थी, जहां केरला ने पंजाब को मारा था. तो ये पंजाब के लिए एक मौका बन सकता है बदला लेने का, आप कह सकते हैं. दोनों को मौका मिल सकता है बदला लेने का एक दूसरों की टीम से. देखते हैं कौन सी टीम जीतती है. बॉल फुल काउंट बोथ साइड. बॉल थ्री स्ट्राइक टू. लास्ट स्ट्राइक है. देखते हैं माधवी क्या करती हैं. बॉल इट्स अ फ्री बेस. केरला की पिचर ने फ्री बेस दिया माधवी को. दोनों बेस लोड. फर्स्ट एंड सेकेंड वन अवे. वन अवे या कोच चेंज द रनर फ्रॉम सेकेंड बेस. The last out batter coming on second base to run. Umpire is discussion with coach about the change of runner. Next batter ready Punjab ki. First and second base load. Sandeep Kaur hai next batter. Bahut hi achhi hit mari hai. But ye catch. Catch by Rinta. रिंटा ने बहुत ही अच्छी कैच पकड़ के दो रन को रोका है इस इनिंग में. बहुत ही अच्छी डाइविंग कैच पकड़ी थी उन्होंने. इसी के साथ पंजाब की इनिंग समाप्त हुई है. कोई रन नहीं. फर्स्ट इनिंग के बाद स्कोर है 1-0 फेवर ऑफ केरला. वन अवे है केरला का. सेकंड और थर्ड लोड है. प्रविता आई है बैटिंग में. सीक्वेंस नंबर वन बैटिंग करती हैं ये. Swing and a miss or out. Two outs Kerala. Abhi bhi run ban sakta hai inka. Next batter aayi hai Stephen Shaji. Ye hamara saubhagya hai ki hamare beech chief guest aaye hain Lieutenant General D. Anbu. President Golf Association, retired Vice Chief of Indian Army. We welcome you, sir. Pitcher and batter dono ready. Aur ye swing kiya. Aur ye out. Third out. Kerala ki isi ke saath ye inning khatam hote huye shunya pe. Dono khiladi apne apne kheme mein jate huye. Sarahana karni padegi. इतनी गर्मी के बावजूद वो बैठे हैं और मैच देख रहे हैं हमारा सॉफ्ट बॉल का. ये एक सॉफ्ट बॉल के प्रति लगाव है जो उन्हें यहाँ खींच के लाया है. पंजाब की बैटिंग स्टार्ट होते हुए और ये गुड हिट और फाउल हिट.
फर्स्ट बेस की खिलाड़ी ने ट्राई किया कैच करने का, हरविंदर कौर आई है बैट्समैन जिन्होंने ये हिट लगाया था। हम आपको बता दें फाउल इट एरिया में अगर कैच पकड़ ली जाती है तो वो आउट करार दिया जाता है। स्कोर है 1-0, सेकंड बॉटम चल रही है ये। हरविंदर कौर बैटिंग पे हैं, बॉल वन स्ट्राइक वन। सॉफ्ट बॉल इवेंट जो है हमारा एशियन इवेंट है ये, ओलंपिक इवेंट है ये, खेला जाता है एशियन में ओलंपिक्स में। बॉल वन बॉल टू स्ट्राइक वन। पिचर रेडी, कैचर बैठ के इशारा करते हुए पिचर को सिग्नल देते हुए क्या बॉल डालनी है। बढ़िया अच्छी ही बॉल डाली और फाउल इट। गुड स्विंग बाय हरविंदर कौर पंजाब की बैट्समैन। पंजाब अपने दमखम के लिए माना जाता है, अच्छी बैटिंग के लिए माना जाता है, तो देखते हैं आज पंजाब कितने रन बना सकता है। शोभन आप क्या कहते हैं इस बारे में? या हरदीप, द पंजाब टीम बैटिंग इज वेरी गुड, गुड हिट बाय द बैटर एंड सेफ ऑन फर्स्ट बेस, वेरी गुड हिट एंड गुड रन इन सॉफ्ट बॉल गेम। द रनर शुड बी लाइक अ स्प्रिंटर, देन ओनली बिकम सेफ। एज यू सीन द फर्स्ट बैटर हिट द बॉल एंड रन टूवर्ड्स फर्स्ट बेस एंड शी गॉट सेफ, सेफ ऑन फर्स्ट बेस। The next batter from Punjab, Ramandeep Kaur. Ramandeep Kaur, jersey number 11. Ball inside, ball one. Ramandeep Kaur, she is shortstop player from Punjab. She took so many good catches in shortstop area. Ball, again ball two. Ball two, safe on first. After completing of first inning, Kerala 1, Punjab 0. Again ball low. Ball inside and ball low, it counts ball. A ball three, the full count on the pitcher. Strike, very good pitch, low strike, and strike one, ball three. The pitcher is ready, and the batter is ready. Catcher giving the signals. Good swing, catch on foul it area, catch, out. Very good catch by the first base player of Kerala, Abhilasha. Two out, one out for Punjab team. The score is Kerala 1, Punjab 0 after completing of second top. The next batter from Punjab, Panveer Kaur, jersey number 12, and she is first base player. Ball inside, ball one. In 19th Asian Games, the softball game is included first time, and we are very happy to say the softball women team is participating in this championship. Good shot, very good shot in between right out and center out. The batter is safe on first base and first base runner is safe on second base. Good shot by Manveer Kaur, jersey number 12. Second base umpire take time out. The next batter from Punjab, Hira, batter number 9, jersey number 2. Catcher signal,
to all the players. First, second is loaded. Very good bunt by the player. And oh, error throw. Error throw by the pitcher. And the players are running towards home. One run count, two run counts. And the batter is also running. And three runs count. Superb, superb bunt by Hira from Punjab. In one bunt, she scored three runs. Very good comeback by Punjab. And the Kerala team coach taken time out and talking to the players. Next batter from Punjab, batter number one, Manisha. Jersey number three. She is center out player and pitcher ready. Ball away, ball one. Ball one. Little bit pressure on Kerala team. Punjab team scored three runs in this inning. Strike. Strike one, ball one. Yes, Hardeep. How do you feel when Punjab hit three runs? मैंने तो शोभन पहले ही कहा था कि पंजाब अपने दमखम के लिए माना जाता है. उनकी हिटिंग शुरू से ही अच्छी रही है. हालांकि ये रन बंट और एरर थ्रो के चलते हुए आए हैं, लेकिन दो बेस जो पहले सेफ हुए वो हिट के चलते हुए. अच्छा बंट किया बैटर ने. बॉल, बॉल टू, स्ट्राइक वन, बॉल थ्री, स्ट्राइक वन. मनीषा बैटिंग करते हुए नंबर वन खिलाड़ी हैं. लास्ट इनिंग में इन्होंने अच्छी हिट मारी थी और ये सेफ हुई थी सेकंड बेस के ऊपर से हिट मार के. वी आर वेटिंग फॉर योर हिट. अगेन उन्होंने स्विंग किया, फाउल हिट अरीना में गया. बॉल, स्ट्राइक टू. बॉल थ्री, स्ट्राइक टू का काउंट. पंजाब के कोच इंदरवीर टाइम आउट लेते हुए और बैटर को समझाते हुए कि क्या करना है उन्होंने इस सिचुएशन में. यही खासियत है इस गेम की, कोच अंदर जाके टाइम आउट लेके समझा सकता है अपने प्लेयर्स को टाइम टू टाइम. एम्पायर रेडी, इशारा दिया, कैचर ने सिग्नल दिया पिचर को और ये हिट किया थर्ड बेस के पास. बॉल फर्स्ट बेस पे थ्रो और ये आउट. टू आउट्स फॉर पंजाब टीम. बहुत ही अच्छी थ्रो मारा थर्ड बेस के खिलाड़ी ने, जर्सी नंबर आठ ने. पिछले गेम में इन्होंने यही एरर किया था और ये तीन रन आ गए थे पंजाब के. अगली बैट्समैन आई है मनप्रीत कौर, पंजाब की कैचर. काफी गर्मी है आज और अच्छा खासा दमखम लगाना पड़ रहा है दोनों ही टीमों को. दोनों कोच अपनी अपनी टीमों को पानी पिलाते हुए, ग्लूकोज देते हुए. बैटर रेडी, बॉल वन का काउंट और ये गुड हिट फिर से थर्ड बेस के पास. बॉल और ये टपका दी बॉल, घेर दी बॉल उन्होंने, टप्पा मार के फेंकी, फर्स्ट बेस नहीं पकड़ पाई और ये बैटर सेफ. वैसे हम इस गेम में रनर चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मनप्रीत कौर जो हैं कैचर हैं और लास्ट आउट है पंजाब टीम का, तो उनको एक एडवांटेज मिल जाती है कैचर को क्योंकि ड्रेसअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो गेम का टाइम बचाने के लिए उनको बाहर किया गया और उनकी जगह जो लास्ट आउट हुई थी वो अंदर आई हैं. माधवी बैटिंग पे और ये अच्छा स्विंग किया माधवी ने और ये गुड कैच, गुड कैच बाय केरला शॉर्ट स्टॉप प्लेयर नंबर नाइन. बहुत ही अच्छा कैच किया गोपिका ने. तीन आउट लिए पंजाब के. इनिंग चेंज हुई, सारे प्लेयर बाहर. After completing of third top, the score is 3-1. The batter ready. Good swing but catch at pitcher circle out.
Ashita Hari out. And third out for Kerala team. And third top inning finished. After completing of the inning, Kerala 1, Punjab 3. And the third bottom of Punjab will start. तीन इनिंग के कंप्लीशन के बाद स्कोर है 6-1 पंजाब के फेवर में. बहुत ही अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए पंजाब टीम. फोर्थ इनिंग के शुरुआत में केरला टीम बैटिंग करने आई है. बैटर रेडी है बैटर बॉक्स में. गुड हिट और ये कैच बाय राइट आउट. नंबर जर्सी नंबर 3 की खिलाड़ी आउट होते हुए फर्स्ट आउट अभिलाषा. अच्छी हिट का प्रयास किया राइट आउट में. प्लेयर रेडी थी 5 नंबर की जर्सी में पंजाब की संदीप कौर और अच्छा कॉल करके उन्होंने कैच पकड़ा. अगली बैट्समैन आई है अंजलि. लेफ्टी हैं ये. अच्छा बंट करती हैं ये. देखते हैं बॉल 1. अच्छा सेव किया अपने आप को इन्होंने. बहुत ही अच्छा जजमेंट करते हुए बैट्समैन. बॉल इनसाइड था और बॉल छोड़ा उन्होंने. 4 इनिंग के स्टार्ट में 1-0 हो चुका है केरला का. स्ट्राइक 1 बॉल 1. गोपिका आई है बैटिंग पे जर्सी नंबर 9 की खिलाड़ी. सॉरी जर्सी नंबर 16 की खिलाड़ी. काउंट है 1-1. पूरा बंट पोजीशन लेते हुए कंफ्यूज करने के लिए. स्ट्राइक 2 बॉल 1 स्ट्राइक 2. कोई कंफ्यूजन नहीं हुई कैचर को. उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा पीछे. ये स्ट्रेटजीज होती हैं ये प्लेयर्स को डिस्टर्ब करने के लिए. पंजाब टीम बहुत ही मंजी हुई खिलाड़ी हैं सारी. 6-1 के स्कोर से आगे चलती हुई फोर्थ टॉप पे. 7 इनिंग का मैच है आज का. और ये आउट. थर्ड स्ट्राइक पे बंट ट्राई किया. थर्ड स्ट्राइक बंट ट्राई करते हैं बंट नहीं लगता है तो आउट दिया जाता है. 2 आउट्स. नेक्स्ट खिलाड़ी आई हैं बैटर बॉक्स में रिंटा. बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था रिंटा ने पहली इनिंग में. फिजिकली बहुत फिट हैं सभी खिलाड़ी केरला के पंजाब के. तभी इतने गर्म टेम्परेचर के साथ इतने गर्म मौसम में खेल रहे हैं. ममता पंजाब की रीढ़ की हड्डी. अच्छी पिचिंग करते हुए बॉल 1 और ये हिट किया. ममता ने पकड़ा फर्स्ट बेस को दिया और ये थर्ड आउट. 3 आउट हुई खिलाड़ी. पंजाब ने 36 नेशनल गुजरात 2020 में सॉफ्ट बॉल में विमेंस वर्ग में गोल्ड जीता है. केरला को हराया उन्होंने 6-2 के स्कोर से. और रनर्स अप रही है केरला की टीम. दोनों ही टीमों को बहुत बहुत मुबारक. पंजाब ने अपना दमखम दिखाया और मैच जीता. केरला आज उस दमखम से खेलती हुई दिखाई नहीं दी. फाइनल 5 इनिंग का स्कोर रहा 6-2.
पंजाब टीम ने बहुत ही अच्छा मैच जीता। इंडिया की सॉफ्टबॉल एसोसिएशन इंडिया की प्रेसिडेंट मिस नीतल नारंग पंजाब टीम को बधाई देते हुए ग्राउंड में उनके साथ उनको शुभकामनाएं देते हुए Coming into the national games and making a debut is, I think, was a dream because we are already a 5-decade-old association. We have been in existence since 1961, and this is for the first time that softball has come into the national games. And another good wow moment for us, which is the Indian women's softball team is also going to make its debut at the first Asian Games. So yes, many firsts this year. And we are looking forward. There are many, many more things. We have our national championships coming up. We have our international championships also coming up. So the year looks very exciting and full of championships. We have to keep improvising and we have to keep learning. This stage, this platform has given us a lot to learn. And it has also shown us that our best teams, the top teams, they still have a lot of areas to, you know, give emphasis on, especially the running between the wickets we felt for the girls and also for the boys. Though they are hitting and they're pitching and they're catching is wonderful, but running between the bases is something that you know, we really have to make our teams work upon. And game is exciting. Game is a very spectator friendly game. It's a visually appealing game. So awareness is what is needed, and I think if more people join join the game, there is no dearth of there's absolutely no dearth of opportunities here. I would like to make a great mention for the government of Gujarat for being so supportive, for Indian Olympic Association for giving us a chance to, you know, include our game in these national games, and to Sports Authority of India, to Sports Authority of Gujarat, to top it all, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for giving that push and making something impossible possible today. Our Punjab team is a winner, Punjab women's team is a winner, and we are so, so excited. Thank you everyone for all your commendable support.